2014 में इस देश की जनता ने एक ऐसे प्रधानमंत्री को चुना जिनके बारे में पूरी दुनिया में प्रचलित है कि हर मुद्दे पर बढ़ चढ़ कर बोलते हैं, बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े जुमले निकालते हैं, इतिहास का ऐसा ज्ञान देते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि सच है कि झूठ है। ऐसे हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश की संसद में कितनी बार बोले, ये आपके लिए जानना जरूरी है। वो सदन जहां देश की जनता के मुद्दों पर चर्चा होती है, देश का वो सर्वोच्च सदन जहां पर प्रधानमंत्री के जवाब की सब प्रतीक्षा करते हैं, विपक्ष और सत्ता पक्ष जानना चाहता है कि इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी का मत क्या है, उस देश की संसद में हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने 4 सालों में सिर्फ एक बार सरकारी बिल पे बोला है, सिर्फ एक बार। और ये मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, ये आपको लोकसभा की वेबसाइट पर मिल जाएगा। एक बार सरकारी बिल पे बोले, 5 बार नए मंत्रियों का परिचय कराया, 6 बार धन्यवाद प्रस्ताव पर बोले, 2 बार विशेष चर्चा में हिस्सा लिया, कुल 4 सालों में अलग अलग कारणों से, जिसमें 11 बार तो मंत्रियों का परिचय कराने और धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने के लिए खड़े हुए मोदी जी, कुल 4 सालों में 19 बार बोले। और वो व्यक्ति जो देश की संसद में 19 बार बोलता है कुल 4 सालों में, उसने 4 सालों के अंदर 800 रैलियां की, 800 रैलियां। रैलियों में 800 बार बोलते हैं, सरकारी बिल पे एक बार बोलते हैं हमारे प्रधानमंत्री। विपक्ष गुहार लगाता है, विपक्ष मांग करता है कि प्रधानमंत्री जी नोटबंदी पर जवाब दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री जी महंगाई पर जवाब दे दीजिए, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री जी किसानों की आत्महत्या पर तो बोल दीजिए, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री जी युवाओं की बेरोजगारी पर बोल दीजिए, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री जी ललित मोदी और नीरव मोदी पर तो बोल दीजिए, प्रधानमंत्री मौन रहते हैं। प्रधानमंत्री जी मॉब लिंचिंग पर बोल दीजिए, लोग मारे जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। बेटियों की सुरक्षा पर तो कुछ बोल दीजिए, प्रधानमंत्री जी मौन रहते हैं। हर 14 दिन में रेडियो पर आकर पूरे देश को अपनी मन की बात सुनाने वाले प्रधानमंत्री जी देश की संसद में मौन रहते हैं, वहां पर खामोश हैं। तो नरेंद्र मोदी देश की संसद में मौन मोदी बन जाते हैं, वहां पर जनता के लिए पूछे गए सवालों पर कोई जवाब नहीं देते। और ये भी सच है, इसकी एक मीडिया ने रिपोर्टिंग की है, उसकी कॉपी भी आप चाहेंगे तो मैं दे दूंगा। प्रधानमंत्री संसद के अंदर मौजूद रहते हैं, संसद के अंदर मौजूद रहते हैं, अपने कार्यालय में होते हैं, फिर भी वो सदन के अंदर जाकर, पार्लियामेंट हाउस के अंदर जाकर, सदन के अंदर जाकर कोई भी बात का जवाब नहीं देते। इसके कारण से मैंने एक याचिका दाखिल की है हाई कोर्ट के अंदर, जिस पर कल सुनवाई होगी। सुनवाई के लिए मेरी याचिका हाई कोर्ट में मंजूर कर ली गई है और उसकी सुनवाई कल होगी कि देश के प्रधानमंत्री, जिससे पूरा देश और देश की संसद और हमारे माननीय सांसद अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं कि वो महत्वपूर्ण मुद्दों पर आकर अपनी बात रखें, अपने विचार रखें, वो खामोश क्यों रहते हैं? और अब जब सत्र चलता है तो विदेशी यात्राओं में क्यों चले जाते हैं, चुनावी रैलियों में क्यों चले जाते हैं? उनको देश के सामने, न्यायालय के सामने ये बताना चाहिए कि आखिर उनकी प्राथमिकता क्या है, देश की संसद उनके लिए कोई मायने रखती है कि नहीं रखती है। देश की सर्वोच्च संस्था, लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर, हमारे प्रधानमंत्री जी के लिए कोई मतलब रखता है कि नहीं रखता?